देखिबा टॉप 5 रो प्रथम बड़ खबर। गुजरात रु टळीला घूर्णिझड़ महार विपद, पाणीपाग विभाग पक्षरु दिया जायछि एही सूचना। वर्तमान झड़र घंटा प्रति बेग 6-12 किलोमीटर रहिछि, धीरे धीरे एहा दुर्बल हेबारे लागिछि। गुरुवार डीप डिप्रेशन रे परिणत हेबो महा, एथिजोगु गुजरात सौराष्ट्र अंचल रे प्रबल वर्षार संभावना रहिछि। एहा छोडा कोंकण क्षेत्र एवं महाराष्ट्र रो किछि अंचल रे भी प्रबल वर्षा होई पारे। आरब सागर सृष्ट महाभयंकर घूर्णिझड़ रूप नहीं, गुरुवार सकाले घूर्णिझड़ रूप नहीं महा। गुरुवार दिन महा ड्यू निकटवर्ती उपकूल स्पर्श करने संभावना रही। पूर्वानुमान अनुसार महा आउ गुजरात उपकूल स्पर्श कर नपे। नुआ पूर्वानुमान अनुसार महा नवेम्बर 7 तारीख में सौराष्ट्र उपकूल छुई चली संभावना रही। पाणीपाग विभाग सूचना अनुजाई नवंबर 7 पूर्वाह्न बेलू महा गभीर अवपात परिणत हो ड्यू ठार 40 किलोमीटर दूर से रेष खबर सुधा महा पोरबंदर पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिगरे 400 किलोमीटर दूर से ड्यू ठार पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिगरे 490 किलोमीटर दूर से महा। संभाव्य बात्या दृष्टि रखि गुजरात उपकूलवर्ती जूनागढ़, गीर, सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, सूरत, भरूच, आनंद, अहमदाबाद, पोरबंदर समेत केन्द्र शासित अंचल दामन और दीव मंगलवार आलर्ट जारी करा थिला। ए सबु अंचल रे व्यापक क्षयक्षति आशंका करा जाय थिला। महा साइक्लोन टी धीरे धीरे दुर्बल होबार लागिछि। वर्तमान यह गोटे सीभियर साइक्लोन स्टॉर्म हिसाब से वर्तमान यहीठार केन्द्रभूत अच्छी और यह ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिगरे गति करुछि। आमर अनुमान यही जे आज संध्या सुधा यह गोटे साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिणत हो जाव दुर्बल होकि काल सकाले यह गोटे डीप डिप्रेशन रे दुर्बल होकि ड्यूर दक्षिण को प्राय 40-50 किलोमीटर दूर से केन्द्रभूत होकि रहिबो। तेणु यार प्रभाव रे आमे 55-65 किलोमीटर प्रति घंटा पवन सौराष्ट्र एवं साउथ गुजरात कोस्ट पाखे जो समुद्र रही उपकूल अंचला रही हबार संभावना रखी एवं समस्त उपकूलवर्ती जिला सौराष्ट्र एवं दक्षिण गुजरात कोस्ट रे वर्षा होगा सहित अल्प केतक जगार हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल रे अनुमान। पाणीपाग संपर्क और बात्या संपर्क में आलोचना करने आम सहित अच्छा ड्यूरू आम न्यूज 18 प्रतिनिधि हरेश मात्र वैद्य। हरेश, अगर बात्या महा की बात किया जाए जिस हिसाब से साइक्लोन आ रहा था, अभी की जो जानकारी है अभी ड्यू से 490 किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या अभी देख रहे हैं स्थिति और हवा की जो रुख है वो क्या दिखा रहा है? पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि महा का खतरा अभी गुजरात और दीव से टल चुका है, क्योंकि जिस तरह से भारी पवन भारी तेज बारिश होने वाली थी और चक्रवात की जो संभावनाएं थी पूरी टल चुकी है। परंतु जिस तरह से आज के दिन और कल के दिन भारी बारिश की बिल्कुल संभावनाएं हवामान विभाग ने व्यक्त की, मैं आपको ये मेरे पीछे के दृश्य बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से चक्रवात की जो इफेक्ट आने वाली थी वो अभी कुछ समुद्री तट पर नहीं दिख रही है, परंतु मौसम थोड़ा बदल चुका है। जिस तरह से बारिश जैसा मौसम दीव का हो चुका है, जिस तरह से कल सुबह से डीप डिप्रेशन में ये कन्वर्ट हो सकता है और डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट होगा तो पूरे सौराष्ट्र और दीव में भारी बारिश के भी आसार है। और ये महासाइक्लोन है वो 6 घंटे में 12 किलोमीटर का अभी डिस्टेंस है वो काट रहा है, यानी कि उसका स्पीड है बिल्कुल स्लो हो चुका है। और उसी की वजह से जिस तरह से मौसम विभाग ने भी एक जानकारी दी है दोपहर को, जानकारी आई है और ये खुशी के भी समाचार माने जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो भारी चक्रवात था महा उसका संकट अब दीव और गुजरात से टल चुका है। जी जो हरेन आप बात कर रहे हैं, अगर टल चुका है बात किया जा सकता है महा की बात, लेकिन जो बारिश की संभावना है उसको अगर देखा जाए और जिस हिसाब से तैयारी की गई थी प्रशासन के तरफ से और सरकार की तरफ से उसको देख के लोगों का क्या कहना है? जी, जिस तरह से बात की जाए तो दीव में तो पर्यटकों को आने की बिल्कुल मनाई कर दी गई और सभी बीचेस है और जो घूमने के स्थल है उन लोगों को वहां पे नहीं जाने का भी आदेश दे दिया है, यानी सभी बीचेस को बंद करवा दिया गया है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है कि कोई भी अगर भारी बारिश आए या तो फिर तूफान के जैसा माहौल आया तो लोगों को किस तरह से मुसीबत में बचाया जा सकता है। NDRF की 5 टीम है यहाँ पे तैनात कर दी गई है, अगर अब भारी बारिश आएगी तो NDRF की टीम है वो कोई भी मुसीबत से यहाँ से उसको
कोई भी मुसीबत का सामना कर सकती है। दूसरी तरफ बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पे अभी का जो मौसम है और देखा जाए तो बारिश की संभावना हो सकती है, और जिस तरह से डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट होगा ये महासाइक्लोन, तो बारिश आएगी, परंतु कोई भी परिस्थितियों से निपटने के लिए दीव प्रशासन है अभी बिल्कुल तैयार है। जी, प्रशासन तैयार है। अगर जो आप बता रहे हैं हरेन की जिस हिसाब से मौसम अभी हल्की सी है और धूप नहीं है, बारिश की जो संकेत है, क्योंकि महा तो अभी टल जाएगा उतना तो जानकारी मिला है अभी विभाग से, लेकिन जिस हिसाब से बारिश होगी, कौन कौन सी एरिया में ज्यादातर बारिश होने की संभावना है? जिस तरह से देखा जाए तो ये साइक्लोन डीप डिप्रेशन में कल सुबह तक कन्वर्ट होगा और 6 घंटे में 12 किलोमीटर प्रति उसकी रफ्तार अभी देखने को मिल रही है, यानी उसका स्पीड है बिल्कुल स्लो हो चुका है, परंतु भारी बारिश की संभावना है, क्योंकि डीप डिप्रेशन के कारण पूरे दीव एरिया में भारी बारिश हो सकती है। उसके उपरांत अगर सौराष्ट्र की बात करें तो सौराष्ट्र के अलग अलग राजकोट, मोरबी, पोरबंदर, भावनगर, ये सभी जिले हैं अलग अलग, वहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। सभी जिलों के प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। सभी जगहों पर NDRF की टीमों को तैनात कर दिया गया है, जो कि महाचक्रवात का जो असर होने वाला था उसके चलते भी ये सब प्रिकॉशंस ले लिए गए थे, परंतु अभी जिस तरह से बारिश की चेतावनी दी गई है, बारिश की आगाही की गई है, तो सभी जिलों को फिर से अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। अगर दीव की बात करें तो जो घोघा और वणाक बारादो सबसे लो लाइट एरिया है, वहां पे भी देखा जाए तो कलेक्टर खुद वहां पे जाके उन्होंने लोगों को समझाया कि अगर भारी बारिश आए तो क्या कुछ करना है, और लोगों को कई ऐसे एरिया है जिस तरह से उसको सेल्टन जो हाउस है वहां पे भी उसको स्थानांतरित कर दिया गया है। जी, तो जो आप बता रहे हैं उसी के हिसाब से अगर जाए, जिन लोगों को स्थानांतरित किया गया है उन लोगों को जो खाना की बात किया जाए और ज्यादातर जो जानकारी जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सब मिल रहा है कि वहां पे? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से सेल्टन होम में सभी सुविधाएं प्रशासन की तरफ से गई गई है, आज दोपहर को सभी लोगों को जो लो लाइम एरिया होता है वहां से उसको स्थानांतरित किया गया है, और खास करके सभी लोगों को रात में ठहरने के लिए इंतजाम किए गए, दो टाइम का चाय नाश्ता और जो खाने की चीज़ सभी फूड्स पैकेट का इंतजाम भी किया गया है, यानी कि कोई भी हालात अगर वहाँ पर भी हो तो उसके निपटने के लिए भी पूरा इंतजाम किया गया है, और जो सेल्टन हाउस बनाया उसमें भी सभी लोगों को दूसरे माले पर रखा गया है, ताकि भारी बारिश अगर आए तो भी नीचे कोई दिक्कत ना हो, और बच्चों की देखभाल करने के लिए खास जिला प्रशासन और खुद कलेक्टर भी वहां गए थे। बच्चों को कहीं भी नहीं जाने की भी सूचनाएं दे दी गई, क्योंकि जिस तरह से भारी बारिश गिर सकती है और हवामान कभी भी बदल सकता है, उसके चलते सभी प्रिकॉशंस की तैयारी है वो सब कर ली गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरेन आपको सभी के जानकारी के लिए, और फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद अभी के लिए। अपन देखुले डीयूरू सीधा प्रसारण आम प्रतिनिधि हरेन मात्र बैद्य जो भाव में सूचना देते जो भाव में बात्या महा जो भयंकर रूप नेबार बर्तमान जदिओ टी जा कि लगातार वर्षा हो पाए जो जो अंचल में वर्षा हे से विभाग तरफ सब प्रकार प्रस्तुति कर प्रशासन तरफ लोक जोटी स्थानातरित करल्टर होम को सेठे सब् प्रकार सुविधा जोगा दि जा प्रशासन तरफ। जदि महा कथा कहिबा तहले गुजरात रे जदिओ विपद टळुछि किंतु ओडिसा पई भी नाही बात्यार भय। पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर थिबा डीप डिप्रेशन आगामी 24 घंटा रे बात्यार रूप नेब, क्रमशः उत्तर उत्तर पश्चिम को गति करी पश्चिम बंग एवं उत्तर ओडिसा और बांग्लादेश मुहाइबो बोली पाणिपाग विभाग कहिछि। तबे केउ स्थान रे स्थल भाग छुइबो से नै एबे जाय स्पष्ट होइनी बोली पाणिपाग विभाग कहिछि। आसंता 5 दिन भितरे एहा स्थल भाग छुइबनी बोली पाणिपाग केन्द्र कहिछि। सेबडे 8 तारिखरु ओडिसा उपकूल रे वर्षा आरंभ हेबो, 9 एवं 10 तारिखरे उत्तर और दक्षिण ओडिसा रे मध्यम धरणर वर्षा संभावना रहिछि। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़ जिला रे वर्षार संभावना रहिछि। समस्त बंदरर 1 नंबर विपद संकेत जारी करा जायछि। समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी को समुद्र को न जिबाकु सतर्क सूचना जारी होइछि। 15 जिला को वर्षा नहीं आलर्ट कर सरकार, वर्षा जोगु संभाव्य बन्या आशंकार मुकाबला पाई भी सजग अछंती सरकार। तेबे वर्तमान सुधा सूचना अनुजाई बात्या ओडिसा छुइबार कौनसी संभावना नथिबा आईएमडी महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र कहिछंती। ओडिसा प्रति विपद आशंका कम थिबा आईएमडी पक्षरु कुहाजिबा परे लोके सामान्य आश्वस्त होइछंती। सकाळ सुधा जो आईएमडी रो फोरकास्ट अछि सेई गतकाली रो फोरकास्ट जहाँ करथले जे ओडिसा उपकूल छुई न पारे ताहा एपर्यंत भी समान अछि। एथि पई केवल आमर
ବର୍ଷା ଯାହା କିଛି ହେବାର ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଆମକୁ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ନେବା କଥା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଲରେଡି କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟତଃ 800 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବାର ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ନେକ୍ସଟ 5 ଡେଜ୍ରେ ଏବଂ କୌଣସି ଉପକୂଳ ଏହି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ର କୌଣସି ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିନାହୁଁ। କେବଳ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏହା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆମର ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଏରିଆ ଆଡ଼କୁ ଏହା ମୁହାଁଉଛି। 24 ଆୱାର୍ସ ମେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ମେ ରୂପ ଲେଗା ଏ ଆର୍ ଇନିସିଆଲି ଇସ୍କା ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ରହେଗା ଉସ୍କା ବାଦ ଫିର୍ ନର୍ଥ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ହୋଗା ଟୁୱାର୍ଡ୍ସ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ଜଏନିଂ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ବାଂଲାଦେଶ କୋଷ୍ଟ ଅଭି ଇସ୍କା ପ୍ରଭାବ ମେ ମେନଲି ଯୋ ହେ ହମାରା ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ ମେ ରେନ୍ଫଲ କା ଆକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା କୁଛ ନହିଁ ହେ। ଏବେ ଆସିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି ଖବରକୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମହାନାଟକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ୁନି, ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ସରୁନି କସରତ। ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀ ଶିବସେନା ସହ ବାଗଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇ ଆସୁଥିବା ବିଜେପି ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟାରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ଦାବି ଦୋହରାଇଛି। ସେପଟେ ଏନ୍ସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଶିବସେନା ମୁଖପାତ୍ର ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ। ଗତ କିଛି ଦିନରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା। ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଲେ ଶିବସେନା ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଏନ୍ସିପି କହିବାର ଦିନକ ପରେ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଛି। ତେବେ ଶରଦ ପାୱାର ଓ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନି। ପରେ ଏନ୍ସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମତଦାତା ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଶିବସେନା ମେଣ୍ଟକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜିତାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏନ୍ସିପି ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଦି ସରକାରରୁ ଶିବସେନା ଓହରିଗଲେ ଏନ୍ସିପି ଶିବସେନା ସହ ମେଣ୍ଟ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ହେଲେ ଉଭୟ ଦଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ବି ଏହାର ସମର୍ଥନ କରିପାରେ ବାହାରୁ। ଶରଦ ପାୱାର ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସିବାକୁ ଏନ୍ସିପିକୁ ଜନାଦେଶ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଦଳ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। 2014 ତୁଳନାରେ ଏଥର ଦଳକୁ ଅଧିକ 13 ଆସନ ସହ ମୋଟ 54 ସିଟ୍ ମିଳିଛି। ସେପଟେ 50-50 ଫଣ୍ଡାରେ ଏବେ ବି ଅଟକିଛି ଶିବସେନା। 2.5 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ଶିବସେନା, ଯାହାକୁ ବିଜେପି ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଅହମ୍ମଦ ପଟେଲଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଫଡ଼ନାଭିସ୍। I don't see any objection. Option is only one. That option is BJP Shivsena should form government as early as possible and they should remove this Shivsena. एक लाइन का ही प्रस्ताव रहा हमेशा दोनों के बीच चुनाव से पहले। गठबंधन जब गठबंधन की चर्चा हो रही थी तब यही हुआ था ना, उस वक्त जो बात तय हुई थी, उस वक्त जिस पर सहमति हुई थी, यही प्रस्ताव है। नया प्रस्ताव महाराष्ट्र महानाटक संपर्क में आलोचना करेंगे। आम सहित अच्छा आम मुंबई प्रतिनिधि सर्वेश तिवारी। सर्वेश, अगर महाराष्ट्र की सरकार की बात किया जाए, क्योंकि अभी इतने दिन गुजर गया है और 48 घंटे बाकी है, जिस हिसाब से बीजेपी ने दावा किया था कि वो सरकार गठन करेगी, लेकिन अभी की जो हालात देख रहे हैं, एक तरफ बीजेपी अकेले सरकार गठन करने के लिए दावा कर रहा है, उस दूसरी तरफ से एनसीपी की तरफ से भी भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया आ रहे, तो इसको देख के क्या लग रहा है अभी? जी बिल्कुल स्वाति जी, जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तब से लेकर 24 अक्टूबर से लेकर अगर आज बात करें 6 नवंबर हो चुका है, 13 दिन बीत चुके हैं और इन 13 दिनों में सबकी नजर शरद पवार पर टिकी हुई थी, लेकिन आज शरद पवार ने खुद आके सामने अपना बयान जारी कर दिया है। कुछ हलकों में ही उन्होंने शिवसेना बीजेपी पर कटाक्ष भी किया कि 25 सालों से वे लगातार एक दूसरे के संपर्क में है, गठबंधन में है, महायुति होकर उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन अब जिस तरह से जनता ने उन्हें जनादेश दिया है तो उन्हें मिलकर सरकार बनाना चाहिए। लेकिन एक तरफ शरद
पर बीजेपी सेना पर कटाक्ष कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हलकों में उन्होंने दो लाइनें और कही कि सोनिया से उनकी पहली मीटिंग हो चुकी है और दूसरी मीटिंग होने की भी संभावना है। वहीं दूसरी लाइन में ये भी कहा कि राजनीति क्षेत्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इनकी जो दूसरी लाइन थी कि राजनीति क्षेत्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कई संभावनाओं की ओर बातें ले जाता है। दूसरी तरफ आज हुसैन दलवाई जो कांग्रेस के सांसद हैं, वो संजय राउत से 4 बजे करीब उनके सामना के मुख्यालय में जाकर मिले। वो हुसैन दलवाई ने भी वहां पर यह बयान दिया कि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी भी तरह से बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करे। कांग्रेस का समर्थन शिवसेना को है या नहीं, इस बारे में उन्होंने हालांकि खुलकर जवाब नहीं दिया, लेकिन ये मुलाकात कहीं ना कहीं कुछ और भी संभावनाएं जरूर जताती है। दूसरी तरफ फडणवीस अपनी मुख्यमंत्री पद को लेकर और सत्ता हासिल करने के लिए कल नागपुर गए थे, जहां पर उन्होंने अपने आरएसएस के मुखिया से मुलाकात की। तमाम संभावनाओं को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार की बनाने को लेकर जो रणनीति यहां पर चल रही है, अभी भी कोई भी क्लियरिटी यहां पर नहीं है कि शिवसेना बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस एनसीपी मिलकर एक साथ शिवसेना को समर्थन देकर सत्ता हासिल करेंगे। संभावनाएं कई बन रही हैं, लेकिन एक जो क्लियरिटी पिक्चर होती है स्वाति जी, वो क्लियरिटी जो पिक्चर है वो नहीं बन पा रही है। हालांकि बीजेपी खेमे में ही कई बातें सुनाई पड़ रही है कि महाराष्ट्र के नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के जो दिल्ली के नेता हैं वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कई बातों को लेकर नाराज हैं, और देवेंद्र फडणवीस इस समय सत्ता बनाने को लेकर पूरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं। तो संभावनाएं कई तरह की हैं, लेकिन जब तक कुछ क्लियरिटी नहीं आती तब तक महाराष्ट्र में सरकार बनाने की जो एक पुख्ता बात होगी वो कहना जरूर मुश्किल है। 9 नवंबर तक दूसरी तरफ अगर हम शिवसेना की बात किया जाए, शिवसेना भी कई तरीके से प्रयास कर रही है एनसीपी के साथ जुड़ने के लिए, और उस दूसरी तरफ से कांग्रेस भी बाहर से समर्थन करेगी, तो शिवसेना का क्या अभी तक मिला है प्रतिक्रिया? देखिए, आज शिवसेना और बीजेपी के कुछ मंत्रियों की बैठक थी मुंबई के मलबार इलाके में, जो सह्याद्री गेस्ट हाउस सरकार का, वहां पर कई मंत्रियों शिवसेना के भी शामिल थे, बीजेपी शामिल थे। उनकी तकरीबन 1 बजे बैठक शुरू हुई और 3 बजे तक जाके बैठक 2 घंटे खत्म हुई। हालांकि इस बैठक का जो मुख्य मकसद था, ऐसा कहा जा रहा है जिस तरह से उन्होंने आकर मीडिया को जानकारी दी, कि ये बैठक बहज कि महाराष्ट्र के किसानों के ऊपर जो मुसीबत आई है, जो वो आफत झेल रहे हैं अपनी फसलों के नुकसान को लेकर, उस बाबत बैठक बुलाई गई थी। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है कि ये पूरी जो बैठक थी ये आपसी जो मतभेद थे उसको दूर करने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन इस 2 घंटे की चली बैठक में भी इन दोनों की बैठक जो है नाकामयाब साबित हुई। जो आपसी मतभेद हैं वो पूरी तरह से दूर नहीं हुई, और शिवसेना जो है अभी भी ये जानकारी मिल रही है कि शिवसेना पूरी तरह से जो 50-50 का जो फार्मूला है कि 2.5 साल उनका मुख्यमंत्री और 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री, इस बात पर टिकी हुई है। तो मामला अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। सह्याद्री गेस्ट हाउस से जब मीटिंग खत्म हुई शिवसेना और बीजेपी के तमाम मंत्रियों की, तो शिवसेना के जितने मंत्री और नेता थे वो मातोश्री गए उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने, और मुख्यमंत्री और अपने तमाम नेताओं को लेकर अपने वर्षा बंगले पर गए। वहां पर भी अब बैठक खत्म हो चुकी है सीएम बंगलों पर, और उद्धव ठाकरे से जो तमाम शिवसेना के नेता मिलने गए थे। सर्वेश, ज्यादातर बैठकें बैठ रही है लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है सरकार कौन गठन करेगा, क्योंकि एक तरफ से बीजेपी दावा कर रहा है, दूसरी तरफ से शिवसेना के साथ एनसीपी जुड़ने के लिए भी प्रयास कर रही है, और एनसीपी के जो मुख्य है शरद पवार वो दूसरे बयान भी दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभी की जानकारी के लिए। तो बर्तमान देखा बाकी रहा महाराष्ट्र सरकार किए गठन करुच्छे, कारण अनेक रोचक मोड़ को गति करुच्छी धीरे धीरे वर्तमान राजनैतिक दिग। टॉप 5 रा तृतीय बड़ खबर, ब्रजराज नगर रे ग्यांगवार पुणी फुटिला गुली, गुली माड़ रे दुर्दांत अपराधी सोनू घोषर भाई मंटू मृत, सीसीटीवी फुटेज रे कैद होईची हत्याकांड रो दृश्य। मंगलवार राति रे घटीथिला एभली छाती थरा हत्याकांड, झारसुगुड़ा जिला ब्रजराज नगर सहर भितरे थिबा लक्ष्मी कैफे रे बसीथिबा बेले सुमित ओरफ मंटू घोष उपर को गुली माड़ करथिला अजणा व्यक्ति। मंटु तले पड़ा परे मध्ये छाड़ी नथिले अपराधी, तले पड़ी चित्कार करुथिबा बेले अपराधी जनक अति निकटरु मंटु को मुंड को गुली करथिला। गुरुतर अवस्था रे तांकु मंडलिया स्थित केंद्रीय चिकित्सालय रे भर्ती करा जायथिला, किंतु सेठारे डाक्टर तांकु मृत घोषणा करथिले। घटनास्थल रे 4 राउंड गुली फुटीथिबा जणा पड़ी। मंटु दुर्दांत अपराधी सोनू घोषर भाई, गुलीकांड परे होईछि एही एनकाउंटर, सीसीटीवी फुटेज आधारे पुलिस दुर्बृत्त को टाक
ट्राक करिथिला एवं रातिरे पुलिस विभिन्न स्थान रे चढ़ाव करबा बेले दुर्वृत्तक सह होइथिला पुलिस रो गुली विनिमय एतरे चारि अभियुक्त आहत होइछंती समानक झारसुगुडा जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करा जायछि। चारि अभियुक्त हेले अनंत धळ, शैलेन्द्र पात्र, निकी सिंह, रफी कंसारी। एई चारि जण कैफे गुलीमाडर अभियुक्त थिबा सूचना मिलिछि। चारिमास तले ब्रजराजनगर होइथिबा अमित धळ हत्याकांडर मुख्य अभियुक्त भाबे स्वयं गिरफ होई एबे जेल रे अछि। कैसे सर, सोनू घोष का भाई को कोई गोली मार दिया, अब कौन मारा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ तक प्रशासन का बात है ये प्रशासन को पूरा मालूम है कौन मारा है कौन नहीं मारा है। पुलिस प्रशासन अवहेला जो आज मर्डर उपरे मर्डर हो चलती मुझे लगी घृणा करुच्ची आम ब्रजानगर पुलिस स्टेशन आईआईसी को एवं से तांकर प्रशासन को एवं एटा बहुत अन्याय है बहुत ये है दी दीटा मर्डर केस है दायी होती आम आईआईसी पुलिस सांगे सांगे खबर पाई अराउंड 7:35 आठटा एम समय हो मो पाखे खबर अच्छी इनभेस्टिगेशन चालू कह तेज अपराधी को कड़ा चेतावनी देखते डीआईजी हिमांशु लाल अपराध छाड़ मुख्य स्रोत को आस नचे एरिया छाड़ दियो। गुलिकांड घटना को चैलेंज भाव ग्रहण कर पुलिस अपराधी को दृढ़ हस्त में दमन हो उत्तरांचल डीआईजी हिमांशु लाल मेन अच्छी सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन हवा दरकार तो आम फर्स्ट स्टेप कलु सेकेंड स्टेप इन्वेस्टिगेशन को पूरा प्रोफेसनाली आम इनसोर कर शीघ्र चार्जशीट हो इन्वेस्टिगेशन टोटल साइंटिफिक वे में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कमी हो टेक्निकल वे में बेस्ट वे में हो वील एंड श्योर दैट चार्जशीट इज प्लेस टाइमली वील एंड श्योर दैट से मैंने कन्विक्शन हो आम ऑन बिहाफ ऑफ पुलिस वील मेंटेन द बेस्ट टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और एवं नुआ एसडीपीओ भी आज जॉइन करते ब्रजराजनगर टॉप 5 रो चतुर्थ बड़ खबर सरप्राइज विजिट ताहा पुणी भोर पांचटारु प्रथम थर पर एभली सरप्राइज विजिट करिछंती 5T सचिव वीके पांड्या। आज सका प्राय पांचटा बेले एससीबी मेडिकल परिदर्शन में आसीथिले 5T सचिव वीके पांड्या। सचिवों सह जातीय स्वास्थ्य मिशन निर्देशिका शालिनी पंडित, स्वास्थ्य सचिव प्रमोद मेहरदा, पूर्त सचिव किशन कुमार और पुलिस कमिश्नर और कटक डीसीपी प्रमुख भी एही परिदर्शन में सामिल होते। यह प्रदर्शन समय 5T सचिव प्रथमे एसीबी मेडिकल आशु चिकित्सा विभाग में पहुंच स्वास्थ्य सेवार निरीक्षण करते परे मानसिक रोग विभाग को लागि रही पड़िया दंत चिकित्सा प्रतिष्ठान बुली देखिथिले परे मेडिकल परिसर विभिन्न स्थान बुली भित्तिभूमि निरीक्षण भी करिथिले आउ शेषरे एसीबी अधीक्षक अध्यक्ष और अन्य प्रशासनिक अधिकारी सहित बैठक भी करिथिले। एसीबी मेडिकल भित्तिभूमि विकास पर राज्य सरकार एक स्वतंत्र योजना प्रस्तुत करिछंती आज संध्या मुख्यमंत्री अध्यक्षतार सचिवालय एक बैठक भी डकाइवा जमापड़ी सेपटे 5T सचिव परिदर्शन पर एसीबी में मिलुवा स्वास्थ्य सेवे उन्नति आसो आशा कर रोगी संपर्क किसी दिन हम जो शुणि आसुजे हस्पिटाल मानक दलार हटि जावा सबकि बहुत सुविधा पाइबा शुणी आसा शुणा बहुत खुशी लगुच कितु ये आसिले बुले गले आज जे मीटा बस वापस जदि सब कम ठीक रहा आम मैंने साधारण लोक बहुत उपकृत पाइब। शेष खबर पिज और डाली को नहीं बढ़ला चिंता पुणी उपर मुहा पिज दर दिल्ली भली किसी सहर में पिज को 100 टंका टपी सारी बेले आम राज्य में 60 छुईला यहाक नहीं बढ़ी केन्द्र सरकार चिंता पिज अभाव एवं दर वृद्धि को देख सरकार पदक्षेप नहीं चारिटी देशर पिज आमदानी निष्पत्ति खाउटी व्यापार विभाग अफगानिस्तान इजिप्ट तुर्की और ईरान पिज आगे भारत स्थिर कर 180 जहाज में भारत को पिज आसवा संभावना रही पिज भारत में पहुंचा पर दर नियंत्रण हो पार आशा रही खाली पिज नुहे डाली भी महंगा माड़ दुई सप्ताह तले 70 टंका थिबा डाली एबे 100 टंका सेपरी मुगो डाली केजी 95 टंका होइथिबा बेले बिरी 120 छुईबा को बसिलानी बजारे ए सबु सामग्री आवश्यक परिमाण रो मिलु नथिबारु दर बढ़ुथिबा व्यवसायी कहुछंती किंतु डाली दर नियंत्रण पाई सरकार को पक्षरु एबे सुधा कोनोसी पदक्षेप निया जाइनी। पहले तो हमने जे 57,000 टन का जो है बफर स्टॉक तैयार किया हमारे पास में था हर राज्य को हमने लिखा कहा कि आप ले जाओ सस्ते दर पर ले जाओ लेकिन क्या कहते हैं कि नहीं क्या कहते हैं कि उठा पाए वो भी उसका भी एक पीरियड होता है प्याज का वो कुछ महीने के बाद ख़राब होने लगता है
तो अभी भी 1500 टन हमारे पास में क्या कहते हैं कि है। दूसरा एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट को टोटली हम लोगों ने बैन करने का बैन कर दिया। तीसरा क्या कहते हैं कि हम लोगों ने जो इम्पोर्ट को था, हम लोगों ने कहा कि इम्पोर्ट को प्रोत्साहित करो, लेकिन बाहर में ही दाम इतना ना अधिक था कि उसके कारण से क्या कहते हैं कि वो नहीं हो पाया। उसके बाद स्टॉक लिमिट लगाने का क्या कहते हैं कि काम किया। समझ टॉप 5/5 को एट रखु अधिक खबर देखा लग अन् करूँ news18odia.com आम फेसबुक पेज /news18odia आम ट्विटर आईडी @news18odia आम यूट्यूब चैनल /news18odia। नमस्कार।